नमस्कार, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम पहुँचे हैं ये आपको पलामू परमंडल में ब्रीत खैरा ढांचाबार एक मंदिर है, विख्यात मंदिर जो हम अभी मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं आप, इसका हम अवलोकन आज कराएंगे। और इस चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करें। और हम अभी अवलोकन कराते हैं इस मंदिर का। ये बहुत ही प्रचलित मंदिर है और इसके बारे में हम जानकारी देंगे। और एक बार अवश्य यहाँ पर आप आएँ, देखें यहाँ का झारखंड की कला संस्कृति और वेशभूषा रहन सहन, यहाँ की सारी जो प्राकृतिक झारखंड की जो देन है वो हमारे झारखंड प्रदेश में काफ़ी प्रचलित है। और हम इस चैनल के माध्यम से हम इस चीज़ को दिखाते हैं, संस्कृति को, धरोहर को बचाए रखने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर और आपको दिखाते हैं यहाँ के मंदिर की अवलोकन कराते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर के परिसर में हम खड़े हैं और चलते हैं इस मंदिर के अंदर। ये मंदिर का मुख्य दरवाज़ा है जिससे हम अंदर प्रवेश करेंगे। और ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री 1008 श्री विश्वकर्णाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने संवत 2004 फाल्गुन मास में श्री राधा कृष्ण मंदिर जो ये खैरा में पड़ता है उसकी स्थापना करवाई थी, जिसका हम इस वीडियो के माध्यम से आपका अवलोकन करा रहे हैं। और चलते हैं वीडियो को दिखाने के लिए इस गर्भ में। प्रणाम। प्रणाम बा। हाँ, तो हम गढ़वा से आए हैं YouTube चैनल से और इस मंदिर को हम YouTube चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। ये पूरे विश्व में चलेगा इस चैनल से। हम ले लेंगे। जी जी, स्वामी जी ने कराए थे यहाँ पे भगवान के वृंदावन पे। जी, यज्ञ हुआ था। अच्छा, महंत हुए। अभी तो महंत विष्णु जी स्वामी जी है। ये पुजारी जी हैं। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय ग्राम पुकारता जी थाना पावा प्रखंड पावा मोड़। मैं यहाँ के पुजारी जी हूँ जी। कम से कम 9 साल को हुए रहते हुए जी। जी, हाँ, ये सामने मंदिर है। ये मुख्य द्वार यहाँ पे वाच लगा हुआ है। ये हम मुख्य मंदिर के द्वार पे आ पहुँचे हैं और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर, और हमने सोनभद्र में आपको जो मंदिर दिखाया था राधा कृष्ण रेणुकूट, और उससे भी बेहतर ये द्वार दिख रहा है, मंदिर है। ये आप जो देख रहे हैं सामने यहाँ पे, ये किन, ये क्या इनके बारे में, ये त्रिदंडी स्वामी जी का ये मूर्ति की स्थापना है यहाँ पे हुई है। ये तो यहाँ पे उनकी स्थापना की हुई है, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे जग का कार्यक्रम किया गया था। ये हमारे पुजारी जी आपको दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। आप भी इस चैनल के माध्यम से राधा कृष्ण जी का आप दर्शन कर लें। ये प्रमुख स्थान आपको खैरा क्षेत्र में जो है पड़ता है ढांचाबार, और जो आप देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अति सुंदर, और ये हम नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
झारखंड प्रदेश में काफ़ी राजा महाराजाओं का वर्चस्व रहा है और यहाँ पे उनके अभी भी गढ़ किले वगैरह देखने को मिलते हैं और उसी समन्वेश में ईश्वर की भी स्थापना, मंदिर की स्थापना की गई है जो आप देख रहे हैं यहाँ इस तरह दिखाते हैं। ये गर्भगृह, ये बालकनी है, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। जो यहाँ पे पूजा कार्यक्रम कब होता है सर? पूजा को जैसे कि रक्षाबंधन ठीक होगा गुरु पूर्णिमा के साथ आषाढ़ में जी, फिर आपको जन्माष्टमी में होगा जी जी, फिर आपको होगा मट्टी में संक्रांति मेला, मकर संक्रांति को, हाँ मकर संक्रांति होती है जी जी, अब फिर होती है रामनवमी, ओ रामनवमी को भी चैत नवमी में, हाँ चैत नवमी में। तो यहाँ पे जो है इस तरह से बाबा ने बताया यहाँ पे पूजा होती है और आप इस चैनल के माध्यम से राधा कृष्ण जी की दर्शन कर रहे हैं तो आप एक बार अवश्य यहाँ पे आएँ और आप भी दर्शन करें और अपनी मन्नतें मांगें। यहाँ से सारी मन्नतें पूरी होती हैं, हाँ। यहाँ पे जो है बहुत दूर तो काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं और यह थोड़ा पलामू परमंडल में पड़ता है, खैरा पहाड़ है, अभी हम पहाड़ का भी अवलोकन कराएंगे। यह नामी पहाड़ है और सबसे ऊंचा पहाड़ है जो अभी हम थोड़ी देर के बाद आपको इस चैनल के माध्यम से उस पहाड़ का भी दर्शन करवाएंगे। खैरा में ही पड़ता है यह मंदिर ढांचाबार, तो हम अभी इस परिसर में हैं खड़े। बहुत ही अलौकिक यहाँ का वातावरण और जो देख रहे हैं मेरे पीछे ये मंदिर का गर्भगृह और बाबा ने बताया यहाँ के बारे में, तो हम काफ़ी दिनों से यहाँ आने के लिए तत्पर थे और आज हम पहुँचे हैं, दर्शन करा रहे हैं। ये वो स्थान है इस चैनल पर। अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करें और हमें इसी तरह का धार्मिक और पुराने किलों का इतिहास और राजा महाराजाओं से संबंधित सारे झारखंड के सारे इतिहास को मैं इस चैनल पर दिखाता हूं, आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी हम आपको दिखाते हैं ये वो जगशाला है जहाँ पे जग हुआ था, यही वो स्थान है, एक धार्मिक स्थल जो आप देख रहे हैं। ये पलामू के इतिहास में एक ऐतिहासिक मंदिर और यहाँ पे स्वामी जी आकर के स्वतः यहाँ पे जग कराए थे, जो इतिहास है आप कहीं भी किताब में पढ़ सकते हैं। यही वो जगह है जगशाला जहाँ पे जग हुआ था पिरंडी स्वामी जी का, और ये दिखा रहे हैं हम ये परिसर, ये सामने से मंदिर। उन्हीं दे दीजिए आपका तब आपको। नमस्कार सर। नमस्कार जी, हमें बताएं ये जो मंदिर है जो आप देख रहे हैं ये बड़ा ढांचावार में जो अभी हम पहुँचे हैं इस मंदिर को अवलोकन करा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो हम जानना चाहें कि ये मंदिर काफ़ी विख्यात मंदिर है और इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि ये ज़मीन वगैरह जो यहाँ है ये इन्हीं लोगों ने जो है दान दिया था इस मंदिर को बनाने के लिए, क्या है इसका कहानी? दान देने वाले हैं श्रीमती तेत्री देवी जी, ग्राम टेटा के निवासी थे जी, जमीन में मंदिर बना हुआ है जी।
तो ये काफी लोगों का भी सहयोग रहा, गांव के लोगों का पूरा गांव का सहयोग है। गांव में कम बेसी हर कोई अपना अपना जमीन देके मंदिर का अनुदान दिए हुए हैं जी। ये बहुत अच्छा, और ये हम इस चैनल के माध्यम से वीडियो को दिखा रहे हैं, और झारखंड के सारे तीर्थस्थल गुमनाम की स्थिति में है, और हम चैनल के माध्यम से इसको दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि धरोहर को बरकरार रखा जाए। झारखंड की कला संस्कृति और देशभूषा रहन सहन हर चीज़ को बरकरार रखने के लिए आप सभी ग्रामीणों का सहयोग चाहिए सर। तो आपने हमें अवलोकन कराया, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, ये मंदिर के ऊपरी छत पे हम पहुँचे हुए हैं, और यहाँ का क्षेत्रफल हम बताते हैं। यहाँ पे ये जो मंदिर का क्षेत्रफल कितना है, कितना एकड़ में ये बसा हुआ है? मंदिर टोटल जमीन 100 एकड़। 100 एकड़ में जो है ये मंदिर का परिसर है, और 100 एकड़ ज़मीन बहुत होता है। आप जो देख रहे हैं तो झारखंड में सबसे अधिक मंदिर का जो ज़मीन है जी, ये वो मंदिर है मेरे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पे। और झारखंड में जितने भी मंदिर हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला मंदिर यही वो मंदिर है जो आप देख रहे हैं। 100 एकड़ ज़मीन है इस मंदिर के लिए, और भी आगे भी है, और भी ज़मीनें हैं, और गांव में भी, दूसरे गांव में भी ज़मीन है जी। देख रहे हैं मंदिर के जितना भी दूर तक दृष्टि जाता है जी, सारा मंदिर का ही ज़मीन है। ये सब देखिए, जितना उधर बगीचा उगीचा है जी, इतना उधर सब मंदिर का ही है, और बहुत सारा ज़मीन है। इधर देखिए जितना धान है, लगभग यहाँ 40 बीघा ज़मीन जो है केवल धान होता है इधर, यहाँ पर और भी है ज़मीन उधर दिखाइए उधर, तो जितना भी देख रहे हैं एरिया उधर जो पहाड़ी एरिया तक ज़मीन है जी, तो खाली सब मंदिर का ही नाम से है। और भी बहुत सारा है ज़मीन, दूसरे गाँव में भी ज़मीन है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे गढ़ वगैरह था, किला उला था का, राजा महाराजा का? बहुत पुराना मंदिर है, आज़ादी के समय से मंदिर है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, बहुत विख्यात मंदिर है, बहुत बड़े बड़े महात्मा है जो सनातन धर्म से जुड़े हैं। हाँ हाँ, बहुत महात्मा थे वही से। ये वो क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा, सबसे अभी देख रहे हैं पलामू परमंडल में सबसे ऊंची पहाड़ी है। एक पहाड़ है यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर है वो। हाँ, क्या नाम है इसका? तो खैरा पहाड़। खैरा पहाड़ के नाम से प्रचलित है जी जी जी। तो ये रहा यहाँ का इतिहास जो हमारे सर हमारे साथ बात कर रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ का, यहाँ के निवासी हैं, और ये बता रहे हैं इस मंदिर के परिसर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, और बहुत ही सहानुभूति प्रेम व्यवहार यहाँ के लोगों में है। और जैसा आप देख रहे हैं ये वो जगह एकदम धन धान से भरा हुआ क्षेत्र है। और भी है जी, ये मुख्य दरवाजा हुआ सिंह दरवाजा नाम जानते हैं जी जी, जो ईश्वर की प्रतिमा हर जगह लगा हुआ है। हाँ, ये बनारस के मॉडल पर, बनारस बक्सर और बनारस और यहाँ मंदिर। अच्छा, तीनों एक ही मंदिर है, एक ही सेम मॉडल का, सेम ये सब दिखता है, देखिए जैसा सेम मॉडल है। तो जैसा कि आपने देखा इस मंदिर का अवलोकन हमने कराया इस चैनल के माध्यम से, और अंत में आप सबों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, और इसी तरह के ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इस तब तक के लिए मुझे आप आशीर्वाद दें, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार, जय झारखंड।